औरंगाबाद के सिरसागंज में चेकिंग के दौरान पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरों के पैर में लगी गोली। दोनों घायल बदमाश गौरव व शरीफ को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों पर लूट हत्या चोरी के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल बदमाशों के पास से एक काली पल्सर जिंदा व काली कारतूस व तमंचा बरामद। थाना सिरसागंज पुलिस को कटफोरी व नगला खंगर में बदमाशों की मिली थी लोकेशन। देखिए, आज थाना सिरसागंज की पुलिस एक कटफोरी से जो नगला खंगर के लिए रोड जाता है उस पर ये लोग चेकिंग कर रहे थे। उसी समय दो बदमाश एक काली पल्सर से वहाँ आते हुए दिखाई पड़े। इन लोगों ने, हमारी टीम ने जब उनको रोका तो ये वहाँ से भागने लगे और इसी में उनकी मोटरसाइकिल वहाँ फिसली और उन्होंने उसी दौरान पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। इसी जवाबी फायरिंग में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई जिसमें दो बदमाश हैं जिनके पैर में गोली लगी है। इन लोगों को तत्काल वहाँ से जो CHC सिरसागंज वहाँ ले जाया गया। इसी दौरान उन्होंने पूछताछ में बताया कि इसमें इनका एक का नाम इसमें गौरव है और दूसरे का नाम शरीफ है और ये शातिर लुटेरे हैं जिनके ऊपर पूर्व के तमाम मुकदमे हैं जिसमें ये जेल गए हैं। और साथ ही अभी सिरसागंज में हमारे यहाँ एक लूट की जो घटना हुई थी उसमें भी ये लोग शामिल थे। अभी इनसे और भी गहराई से पूछताछ की जा रही है। इन्होंने ये भी बताया कि उस घटना में इन्होंने जो पल्सर मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो मोटरसाइकिल भी इनसे अभी जिससे जा रहे थे बरामद हुई है और इनके पास से अवैध शस्त्र मिर्चे और अवैध कारतूस और कुछ पैसा भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है। अभी और भी विस्तार से इनसे अलग से पूछताछ की जाएगी और जरूरत होगी तो उसको पुलिस PCR भी लेके इनसे आगे पूछताछ करेंगे कि इनके साथ उन घटना में और जो जो लोग शामिल रहे होंगे सभी की तत्परता से गिरफ्तारी की जाएगी। क्या इनका कोई इनाम भी था? अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, अभी तुरंत मुठभेड़ हुई है और अभी क्योंकि इसमें से एक हिस्ट्री सीटर है